भारत का वो मंदिर जहाँ प्रसाद के रूप में मिलता है सोना। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भक्तों को प्रसाद में गोला या कोई अन्य पदार्थ नहीं सोना दिया जाता है। सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है। आपने अक्सर सुना होगा भगवान को खुश करने के लिए सोना भेंट करते हैं, पर आपने कभी यह सुना है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में सोने के आभूषण मिलते हो? एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में सोना दिया जाता है। ये मंदिर है मध्य प्रदेश के रतलाम में। देवी लक्ष्मी माँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में साल भर लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन साल में कुछ ही दिनों के लिए कुबेर का दरबार लगता है। साल भर में आए भक्त यहाँ पर ज्वेलरी और पैसे चढ़ाते हैं। खास तौर पर धनतेरस और दिवाली के दिन माता का मंदिर सोने चांदी और नोटों से सजा नजर आता है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। इस मंदिर में दिवाली के बाद जाने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में आभूषण और नकदी बांटी जाती है। इस प्रसाद को लेने के लिए भक्त कोने कोने से आते हैं। यहाँ से मिलने वाले इस विशेष प्रसाद को सगुन और शुभ मानते हैं, इसलिए उसे कभी खर्च नहीं करते। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में चढ़ावे का पूरा हिसाब रखा जाता है ताकि भक्तों को उनका पैसा वापस मिल सके। सुरक्षा को देखते हुए इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे के साथ पुलिस का भी सख्त पहरा रहता है। महालक्ष्मी के दरबार चढ़ावे की यह अनोखी परंपरा देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये थी SNews रिपोर्ट।